जोहार झारखंड, आप सभी ने पिछले 3 वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जैसे से पार्ट 4 को, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ग्लोस नोट्स को, क्योंकि ग्लोस नोट्स आपकी तैयारी में प्रयासरत हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इसे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस करने का मतलब कुछ नहीं है, इसे आप लोगों को, आपको ये डिक्शनरी के ऑर्डर में शब्दकोश नाम सुना होगा आप लोगों ने, शब्दकोश इंग्लिश में इसे कहते हैं शब्दकोश, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक है। उसके अनुरूप इसको सजाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको सजाना मैं बताता हूँ। पहले तो देखिए, ये 4 ऑप्शन है, ये चारों को सजाना है, ठीक है। तो मैं सजाता हूँ। पहले क्या होगा, पहले देखिए, सभी में नोटिस कीजिए, सभी में ए ए है, तो ए होगा पहला, ए ए होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो अक्षर देख रहे हैं आप लोग, उसमें बी है कि सिर्फ सी 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 है, तो पहले बी आता है कि सी आता है, तो पहले चलिए मैं इसको थोड़ा उसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं, इसको आता है बी, ठीक है। तो इसके जो शब्द होगा एबेडोन, ये हो जाएगा पहला नंबर पे, दूसरा पे देखिएगा सी है, ए और सी, ठीक है, ए सी सी। तो इसके बाद ए सी एकुमलेट वाला आ जाएगा, एको मुलेट दूसरा नंबर, तीसरा है, तीसरा क्या हो जाएगा अचीव, पहला नंबर है, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर बताता हूँ मैं क्या होगा अचीव, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो पहला आप लोगों ने समझ गया कि ये एक नंबर एबेडोन, उसके बाद है एकुमुलेट, ठीक है, उसके बाद है अचीव, फिर उसके बाद है एक्चुएट, फिर उसके बाद है एक्यूट, ठीक है, PQRST। PQRST, पहले क्यों आता है कि पहले टी आता है, तो पहले क्यों आता है, तो इस तरह आपको चेकिंग करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। एक्यूट क्यों पहले आएगा, उसके बाद टी आएगा, इसलिए एक्चुएट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हाँ, इसमें यह पूछा कि ये एक्चुएट क्यों होगा, क्योंकि इसमें पूछा अंतिम शब्द कौन होगा, जब इसे हम अरेंज करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अंतिम में मेरा क्या आ रहा है, ये एक्यूट आ रहा है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं।
जी आपने देखिए एक्चुएट जो है ऑप्शन ऑप्शन 3 ये राइट आंसर है। ठीक है ऑप्शन 3 ये एक्चुएट, मैं घी रखकर दिखाऊँ एक्चुएट। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है एक्चुएट। ठीक है कुछ नहीं, उसको क्या करना है, डिक्शनरी के अनुसार उसको सजाना था। ठीक है चलिए। अच्छा आप ये बोल सकते कि इसे तो इतना देर लग गया, इसे जल्दी कैसे सजाते हैं? तो जल्दी सजाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए मैं फटफट बताता हूँ। पहले ए है, सभी में मैंने खोल के कि सभी में ए है। ठीक, अगला अगला अक्षर को नोटिस करना, बी 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 सी सी सी, तो मेरा बी है। ठीक है बी, ये पहला शब्द हो गया। ठीक है उसके बाद ए, अब देख रहे हैं कि सब में सी है, तो ए सी लिख दिया। ठीक है उसके अगले अक्षर को गौर करना है, तो क्यू है, सी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे टी है, यहाँ सी है, यहाँ पे क्यू है, ऐसा है। तो देखें हम जो इसके बाद मेरा ए भी है, उसके बाद एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ये हो गया। अब बचे तीन, एक्चुएट एक्यूट। ठीक है तो उसके बाद हम लोग किसको, उसके बाद किसको लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे, उसके बाद लेंगे हम लोग उसके लेंगे अचीव, अचीव आ गया। ठीक है उसके बाद मेरा दो आ गया, उसके बाद मेरा बच गया ये एक्चुएट और की। तो पहले क्यों आता है, यहाँ पहले क्यों है कि टी आता है, तो पहले क्यों आता है, तो इसलिए मेरा हो गया एक्वीट। फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा एक्चुएट। ठीक है तो देखना, और अंतिम शब्द को हम क्वेश्चन के अनुसार, पहला शब्द बोलता तो पहला शब्द बोलता तो ये एबेडोन, फिर अगर दूसरा पूछता तो एक्यूमुलेट, तीसरा एक्यूमुलेट। ठीक है अचीव तीसरा है, अगर पूछता कि चौथा नंबर पे कौन आएगा, तो चौथा नंबर पे एक्वीट आएगा। ठीक है तो इस तरह का आंसर करना है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन का बताते हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं इसे दिखा देता हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ठीक हाँ पढ़ने के बाद चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ठीक है ये लॉक हो गया। चलिए अब बताता हूँ, पहले देखिए सभी के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है अब क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एन है, एन के बाद क्यू है, तो हम इसमें देखेंगे एन की एन क्यू एन क्यू जे एफ, ये है ना एन क्यू जेड। ठीक है ना यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो हम लोग पाएंगे कि एन और क्यू ये आ रहा है आपका दो दो अक्षर के बाद, फिर क्यू और जेड आ रहा है आपका एन क्यू है, फिर क्यू के जेड है, दो दो अक्षर के बाद आ रहा है देख रहे हैं, तो फिर जेड के बाद में दो अक्षर बाद क्या है एस, तो एस लिख दिए। ठीक है अब हमको देखना है डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू के डी एक अक्षर बाद, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है जे एफ। ठीक है यहाँ पे एफ है,
ठीक है, और एफ के बाद क्या है, अगले लेक्चर जो है तो देखेंगे कि मेरा वी है, तो मेरा ठीक एस पर चल गया, वी पर चल गया। अब हम देखेंगे पी पी बी, यहाँ पी है, यहाँ बी है, बी के बाद आर है, ठीक है आर है, तो उसी तरह आर के बाद क्या आएगा, एस, यहाँ आई, ठीक है आई है ना, आई, तो ये इसका आंसर एस वी आई होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एस वी आई हो गया ऑप्शन, तो अब इसको आंसर से मिलाते भी हैं। चलिए ये है एस बी आई आ गया, ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसे पढ़ लीजिए आप 5 सेकंड के लिए, ठीक है चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो संबंध स्थापित करना है कि जे एल में क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे ये जो पहला अक्षर होता है जे, जैसे लिखा हो ना जे ई एल एच, तो यहाँ जे एल में क्या रिलेशन है उसको स्थापित करना है। उसके बाद क्या है ओ एस, तो फिर क्या है ये एल ओ में क्या संबंध है, उसके बाद क्या है कि ओ एस में क्या संबंध स्थापित है उसको देखते जाना है। फिर उसी तरह ई उसी तरह ई ई एच में क्या संबंध है, फिर एच ओ में क्या संबंध है, फिर एच हो गया सॉरी एच ओ नहीं, मुझे एक मिनट, एच एच और किस में गया, एच एल में क्या संबंध है, फिर एल और क्यू में क्या संबंध है। इसे मेरी बातों को ध्यान में ध्यान से सुनिए, ठीक है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं जे के एल, हम लोगों ने जे में कितना जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है उसी तरह अब चलिए एल एम एन ओ, ठीक है हम लोगों ने एल में कितना जोड़ा, प्लस तीन, तीन जोड़ दिया। ठीक है, ओ में अब क्या करना, पी क्यू आर एस कितना जोड़ दिया, चार, देख रहे हैं चार, तो अब हमको एस में कितना जोड़ना है, पांच, ठीक है एस में कितना जोड़ना है, पांच, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस के बाद तो एक्स आएगा, पहला लेटर हमको पता चल गया एक्स, यहाँ तो दिख जा रहा क्लियरली ऑप्शन दो मेरा राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन दो, ठीक है एक्स। फिर भी हम लोग अगला भी सब निकालते हैं एग्जैक्ट पहुंचने के लिए। ठीक है, अब हमें चलना है ई ई एफ जी एच, कितना जोड़ा, प्लस तीन जोड़ दिया। ठीक है, एच के बाद क्या, एच आई जे के एल, कितना जोड़ दिया, चार जोड़ दिया। ठीक है, अब एल में कितना जोड़ना है, एल एम एन ओ पी क्यू, तो
एक दो तीन चार पाँच जुड़ गया। तो उसी तरह अब हमको क्यूब कितना जोड़ना, +6 जोड़ना, ठीक है। क्यूब के बाद क्या आता, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। क्यूब के बाद हो गया 3 3 6, ठीक है। तो प्लस मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया 2, ऑप्शन 2 मेरा एग्जैक्ट मेरा आ गया है XW। चलिए अब मिलाते हैं इसे। तो ये मेरा देखिए XW आ गया। तो इसलिए मेरा कैसे चलना था सर, फिर मैं बता देता हूँ कि J के L में, J के बाद कितने अक्षर के बाद L आया, L के बाद कितने अक्षर के बाद O आया, O के कितने अक्षर के बाद S आया, ये करने, ठीक। तो इस तरह करने से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन हालांकि अभी मुझसे नहीं बन रहा है, इसमें इस तरह का किसी पैटर्न पे रहता है ये, ठीक है। उस पैटर्न पर मुझे पता चल जाएगा तो मैं जल्दी उसे बता दूंगा, और नहीं तो आपको अगर उत्तर पता चल जाता है तो आप इसे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। कैसे बोलूँ, चलिए देखिए। प्लस है किससे गुना के बराबर, ठीक है। अच्छा रुकिए, इसको पूरा कर देगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये पता चलता है कि प्लस की जगह पे हमको क्या करना है, ये डिवे जो प्लस उसकी जगह भाग का चिन्ह भाग के बराबर है, और जो घटा है वो किसके बराबर है, जोड़ के बराबर है, गुना किसके बराबर है, तो घटाव के बराबर है, ठीक है। और भाग जो है वो गुने के बराबर है। पहला में क्या था, भाग जो प्लस है वो भाग के बराबर है, माइनस है वो प्लस के बराबर है, और जो गुना है वो माइनस के बराबर है, ठीक है, और जो प्लस है वो भाग के बराबर। तो चलिए इसे करना है, इसे जब कीजिएगा, इसको जब लिखिएगा तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। ये जो है, ये जो नंबर का है, इसको लिखने पे ये बन जाएगा इस तरह का, देखिए। हाँ, इसमें एक चीज़, इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास को। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बोर्ड मास क्या होता है, तो बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिससे आप लोगों ने ये और ये चिन्ह से देखा होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना रहेगा, ठीक है। ऑफ, ये ऑफ लिखा रहता है, ठीक है। फिर हो जाएगा डी, डी से क्या हो जाता है, डी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एम से क्या, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ए से क्या हो जाता है, एडिशन जोड़ हो जाता है, ठीक। और एस से क्या होता है, घटाओ, एस से क्या होता है, घटाओ, ठीक है। तो पहले हमको ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ रहेगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ये जब जो जोड़ का चिन्ह है उसको जब भाग के चिन्ह में रखेगा तो ये पूरा किस में बदल जाएगा, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वो बन जाएगा इस तरह का, कर्ली ब्रैकेट है इसको इंग्लिश में, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। ये 70 17 -12, फिर जोड़ का चिन्ह आ जाएगा, फिर माइनस जोड़ में बदलता है, फिर 4 गुना 2 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, डिवाइडर का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं बोला है, तो 23 है, +6 हो जाएगा, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट और गुना से, देखिएगा ये जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर है उसका जो भी है,
ग्रोथ रहेगा, पर गुना में आपका देखिए जीरो आएगा, जीरो है देखना, गुना में जीरो, तो इसको हम किसी भी, और हम जानते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरऑल जीरो, तो इसलिए इसका आंसर होगा जीरो, ऑप्शन दो। ठीक, ऑप्शन दो देख रहे हैं, ऑप्शन दो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की ओर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक, 17 की ओर, ठीक है, इसे देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है कि एक अनुक्रम, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि तिरुपति कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश कहाँ आता है, इंडिया में, इंडिया कहाँ आता है, तो वर्ल्ड में, ये जो वर्ल्ड है वर्ल्ड में आता है, ठीक, और वर्ल्ड में, अब वर्ल्ड कहाँ आता है तो यूनिवर्स में, तो देखिए तिरुपति कितने नंबर पे है, तीन, आंध्र प्रदेश कितने नंबर पे, एक, इंडिया कितने नंबर पे है, पाँच, वर्ल्ड कितने नंबर पे हैं, चार, ठीक है, यूनिवर्स दो, तो मेरा जो जिस ऑप्शन में 3154, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 3542 रहेगा, वही मेरा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये रहा ऑप्शन 3154, ठीक, ठीक, तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन वन, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक है, प्लस किसके बराबर है, माइनस के बराबर, माइनस किसके बराबर, गुने के बराबर, और गुने किसके बराबर है, भाग के बराबर, ठीक है, ठीक है, और क्या भाग किसके बराबर है, तो जोड़ के बराबर, ठीक है, तो इसको लिख के इसको सॉल्व करना है। अगर देखिए क्वेश्चन में अगर कोई किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा समय लगे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, समझदारी से मैं है कि क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि उतने समय में अगला क्वेश्चन मेरा बन सकता है, ठीक है, तो चलिए ठीक है इसका सॉल्व करके देखिएगा और आंसर बताइएगा कि कितना है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 19, इसे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो इस क्वेश्चन में है कि एक वाक्य उस क्वेश्चन में दिया हुआ है और दूसरे वाक्य को ऐसे वाक्य, ये एक या एक स्टेटमेंट जरूरी है या दो, ये बताने के लिए कि पी का फादर कौन है, पी का पिता, पिता कौन है, ये पता करने के लिए हमें एक एक वाक्य,
क्वेश्चन नंबर एक जरूरी है कि दो जरूरी है कि दोनों जरूरी है कि दोनों में से कोई नहीं, यही हमको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, खोजते हैं इसको। ये बंद हो गया। पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ कि एस एस जो है वो पिता क्या है, तो चिल्ड्रन एस नहीं दिया हुआ, ये माता है कि पिता है ये नहीं दिया हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ कि पी क्यू इसके बच्चे हैं, माता पिता फादर है कि मदर है ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि ये बच्चे हैं। आप इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब है कि अब देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आर इज़ अ ब्रदर ऑफ पी। आर क्या है? ब्रदर है। आर आर भाई है पी का, जो आर है पी का भाई है, तो आर ये हो गया। और हम इसको ऐसे दिखा दें ब्रदर दिखाने के लिए, ठीक ब्रदर पी, ठीक है। एंड सन ऑफ टी, और ये किनका किनके बेटे हैं? टी के बेटे हैं। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि दूसरा यू इज अ मदर ऑफ क्यू, यू माता है क्योंकि, यू मदर है किनकी? क्योंकि। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला क्या, ये हमको हमें ये पता चल गया जो दूसरा स्टेटमेंट और दूसरा वाक्य दिया हुआ है उसे ये पता चल गया क्यू जो है यू का मदर है, तो एस क्या हुआ? पिता हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इससे, इसे पता चल गया कि पी का फादर कौन है, तो एस। ठीक है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जरूरी होगा? दो। तो इसका आंसर होगा सिर्फ दो, ओनली टू, ओनली टू ऑप्शन, ओनली टू। ठीक है, देखिए आंसर भी सही है, देख रहे हैं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा देखने में लग रहा है, हालांकि वो है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। ठीक ठीक है, इसे पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में से समझ लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसे 2 से 3 सेकंड बाद इसे सॉल्व करेंगे। तब तक मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपको पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट जो होंगे उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसको मैं बहुत ही आराम से सॉल्व करके इसमें बताता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या है। कि इसमें क्वेश्चन है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ रोहित की जो पोती कौन है वो हमें बताना है, रोहित की पोती कौन है वो बताना है। ठीक है, रोहित की, चलिए हम इसको बताते हैं। चलिए इसके लिए क्या करना है, हम इसको हम बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कौन कौन नाम है, नाम पे वह ध्यान कर लेते हैं। एक रोहित है, आदित्य है, मोहिनी है, ठीक है, फिर शालिनी है, फिर गौतम, फिर हिमांशु है। ठीक है, मीरा है, गोविंद, बस यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
पहला दिया रोहित, इसका कैसे बनेगा? तो चलिए पहले रोहित लिख दीजिए। रोहित क्या है? फादर है किसका? आदित्य का। ठीक है, आदित्य, फिर मोहिनी है। ठीक, इसे ओके। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर बताने में ही सुविधा होगा। आप स्क्रीन को देखिएगा। ठीक है, पहला देखिए, आर इज रोहित फादर आदित्य का। ठीक है, जैसे ठीक है, ओके का। ठीक, आर है रोहित इज अ फादर ऑफ। चलिए रोहित, ये क्वेश्चन रोहित रोहित इज द फादर ऑफ आदित्य, ये रोहित हो गया, फादर दे दिया है किसका? आदित्य का। ठीक है, पर ये नहीं बोला। देखिए उसका अगले वाक्य में दिया आदित्य इज नो, आदित्य उसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या हो गया? बेटी है। ठीक है, फिर जो मोहनी है वो आदित्य की बेटी है। मोहनी, ये देखिए ये बेटी बन गई। अच्छा, शालिनी है रोहित की पत्नी है, तो इधर आ गया शालिनी, पत्नी है, शादीशुदा, इसलिए मैंने दो दिखा दिया है। ठीक, गौतम आदित्य का भाई है। देखिए भाई को मैंने ऐसे दिखा दिया, गौतम को जी ए लिख दिया। ठीक, फिर क्या है? हिमांशु जो है गौतम का बेटा है। हिमांशु, यहाँ पे मैं हिमांशु के दिखा दिया, बेटा है गौतम का। ठीक है, और मीरा गौतम की पत्नी है, तो इधर मीरा हो गई पत्नी। देखिए ये बन गई मीरा की पत्नी हो गई। ठीक है, अब गोविंद है मीरा का फादर, तो इससे एक ऊपर जाएगा और ये बन गया गोविंद जी फादर, इसलिए मैंने चतुर्भुज दिखा दिया है। ठीक है, अब हमको बताना है कि ग्रैंड डॉटर कौन है रोहित का। तो देखिए रोहित की ये बेटी हो गई, बेटी का जो बेटी है वो ग्रैंड डॉटर हो गई, इसलिए मोहिनी इसका आंसर होगा। ठीक, इसे कॉपी में अच्छे से इसको बनाइए तो आपका जरूर से जरूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो देखें इसका उत्तर मोहनी है, मोहनी। ठीक, इसको और ऊपर से देख लें, मोहनी। ठीक है, मोहनी देख रहे हैं ना। चलिए इसको मैं यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर आप लोग देखिए। चलिए इसको अच्छे से, इसको ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको सामने आएगा ये ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नातनी, नातनी जो बोलिए। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आशा है कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन हिंदी में क्या दिया हुआ? पोती दिया हुआ, इसलिए ठीक है इसका मोहनी होगा। इसको मैं डिलीट कर, देखिए मोहनी दो है, इसका आंसर मोहनी दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन ठीक है। इसको सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा,
रीड मी इधर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल कौन है तो ग्लोस नोट्स हैं, ग्लोस नोट्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। इस वीडियो का और भी वीडियो के लिंक यहाँ हैं, यहाँ पे आई बटन है वहाँ पे दिया हुआ, वहाँ से भी आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। ग्लोस नोट्स के बगल में ये, ठीक है, यहाँ पे ग्लोस नोट्स लिखा हुआ है, उसके बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके क्लिक कर देना है, जब आप इसको देखेगा, या तो आप इसे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर JSSC टाइप कीजिए हैशटैग में, रुकिए, हैशटैग क्लियर JSSC, ठीक है, बिना कोई स्पेस के, तो आपको इस वीडियो को मिल जाएगा JSSC, ठीक है, हैशटैग क्लियर JSSC, कहाँ, फेसबुक पे, फेसबुक पे भी है ये, ठीक है। अच्छा, फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इसे, गूगल में हैशटैग ग्लोस नोट्स NOTS, यहाँ जो नाम दिया हुआ ग्लोस नोट्स, ग्लोस नोट्स ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ ग्लोस नोट्स, उसको सर्च कीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।